आज की क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवीए प्रोग्रामिंग में इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि माइक्रो में जाके सिलेक्ट करके रन करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अभी एक माइक्रो बनाया हुआ है यहाँ पे मेल करने का, दिख रहा है मेल करने का माइक्रो। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि विजुअल बेसिक में गए, उसकी कोडिंग कर दी, यहाँ पे गए और हमने इसकी कोडिंग कर दी। अब मैं यहाँ पे क्या किया, 2100 2200 2200 से लेके मैं 2300 तक रेंज हमने दे देता हूँ, 100 मुझे करना है ईमेल। अब मैं यहाँ इस माइक्रो को के लिए रन करने के लिए मुझे यहाँ रन करना पड़ेगा, या शॉर्टकट के थ्रू रन करें या किसी बटन पे क्लिक करके रन करें, हमें मैनुअली क्लिक करके रन करना पड़ेगा तभी मेरा माइक्रो परफॉर्म करेगा। देखिए कई बार क्या होता है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा जो माइक्रो है वो इस तरह से डायरेक्टली रन जो है ना हो। मैं चाहूं कि रन हो एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे, मतलब कि मैं कहीं पे राइट क्लिक करूं, कहीं पे डबल क्लिक करूं, फाइल को ओपन करूं, सीट ऐड करूं, सीट डिलीट करूं, प्रिंट करूं, कुछ इस तरह के सिलेक्टेड इवेंट पे मेरा माइक्रो रन। ठीक है, ये देखिए आउटलुक पे, आउटलुक को मेल भेज रहा है, क्या देखिए, और डिले डिलीवरी के साथ हर 1 मिनट में 1 मेल चला गया। तो कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाता हूं नेम वाइज, और यहां पे हमने जैन देखिए डेटा हो गया। अब मुझे इसके ऊपर बनानी है चार, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरे को सिलेक्ट करके चार्ट नहीं बना सकता। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि चार्ट दिखेगा नहीं, और मेरी रिक्वायरमेंट पर्सन टू पर्सन में पूजा मोहन के बीच में क्या सेल्स का कंपेयरिंग है उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कि पूजा ने मंथ वाइज क्या सेल किया उसकी कंपेयरिंग चाहिए। तो कहने का मतलब है कि मुझे यहाँ इंडिविजुअल क्या चाहिए, चार्ट चाहिए, मतलब कि एक नाम का एक चार्ट। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर मैं एक ऐसे करूंगा तो ऐसे मान लीजिए 100 200 नाम है, तो 100 200 चार्ट बनाएंगे तो क्या देखना पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मैं यहाँ कविता पे सिलेक्ट करूं तो सिलेक्ट करते कविता का चार्ट बन जाए, इंद्र पे सिलेक्ट करूं तो इंद्र का चार्ट बन जाए, कैसे होगा। तो इसमें हम वीवीए और फॉर्मूला दोनों का मिक्सअप करेंगे। हमने यहाँ पे हेडिंग नीचे रख दिया और यहाँ पे हम मैनुअली 1 लिखे और ऑफसेट फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ रो में 0 कर देते, नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और रो में इस 1 को सिलेक्ट करना है, कॉलन में 0 करना है। आगे ड्रैग करने से पहले जो 1 हमने लिखा है इस 1 को कर देते हैं फ्रीज और इसको करते हैं स्लैश कॉपी, यहाँ पे पेस्ट पेस्ट नहीं करता सॉरी। अब इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर हम करते हैं चार इंसर्ट, हमने इसके ऊपर क्या किया चार्ट इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो मोहन का आ जाता है, अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूं तो कविता, 4 करता हूं तो ये इंदर आ जाता है। देखिए मैं यहाँ नंबर चेंज नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ जस्ट सिलेक्ट। तो हम सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे व्यू कोड पे, और मैं यहाँ पर डुअल स्क्रीन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखता रहेगा कि हमने कोडिंग क्या किया और चेंज किया हो। यहां हम सिलेक्ट करते हैं वर्कशीट
और यहां पे सिलेक्शन चेंज, मतलब जब कहीं पे क्लिक करते हैं उसको सिलेक्शन चेंज कहा जाता है। और अब जैसे कि यहां पे हमें मोहन का चाहिए तो हम टू डालेंगे तो यहां मोहन आएगा, राइट। और मोहन जो है 3 नंबर रो में है, तो हम सिंपल करेंगे यहां पे कि रेंज 8 17 डॉट वैल्यू इक्वल टू टारगेट डॉट रो -1। अब बोलेंगे टारगेट क्या है, देखिए यहां पे क्या है मतलब कि सब्जेक्ट वर्कशीट सिलेक्शन चेंज वाई वेल मतलब बाई वेरिएबल बाई डिफॉल्ट वेरिएबल टारगेट एज अ रेंज, मतलब कि मैं जहां भी क्लिक कर रहा हूं वो उसका टारगेट बन जा रहा है, टारगेट उसको रखवा रहा है। और हमने बोला कि 17 A17 मतलब यहाँ जो 5 है इसकी जो वैल्यू है जहां पे क्लिक हो रही है उसकी रो नंबर 1 से कम हो जाए। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब इसको चार्ट को उठाता है और उठा के हम इसके ऊपर हम मैनेज कर देते हैं। कुछ इस तरह से। अब इससे क्या होगा कि मैं यहां क्लिक करूंगा तो पूजा मोहन कविता इंदर उदय रवि दिख रहा है, चेंज हो रहा है। सिंपल सा एक लाइन की कोडिंग हमने की। अब ऐसा नीचे फॉर्मूला दिख रहा है तो इसको तो हम हाइड कर देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि मैं यहां भी क्लिक करता हूं तो यहां भी आ जाता है, यहां भी करता हूं यहां भी आ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं किया कि भाई डेटा से बाहर सेलेक्ट मत करिए, करेगा तो उसका रेंज मत दीजिए। यहां तो ऐसा कुछ देना पड़ेगा ना, इसके लिए जाहिर सी बात है कंडीशन है तो इफ लगेगा। तो हमने यहां बोला कि इफ टारगेट डॉट रो इज नहीं रो तो रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड टारगेट डॉट रो सॉरी टारगेट डॉट रो इज लेस देन इक्वल टू 13 एंड टारगेट डॉट कॉलन इज इक्वल टू 1 देन ये जो प्रोसीजर है चले अदरवाइज ना चले। अब क्या होगा कि मैं यहां क्लिक करूंगा तभी मेरा डेटा दिख रहा है, कहीं और क्लिक नहीं करो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, पड़ेगा। समझ गए। यस इवेंट भी बात आया तो अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं यहां पे अपना नाम लिखूं तो मुझे मिल जाए कि डेट किस डेट को किस टाइम में लिखा गया है, अपने आप आ जाए, हम कुछ ना करें, ठीक है। तो इसके लिए हम यहां C3 जो है हमारा इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहां पे हम वर्कशीट लोकेशन चूज करेंगे और यहां सिलेक्शन चेंज नहीं, हम यहां चेंज करेंगे, क्या करेंगे चेंज, कि जब चेंज हो तभी वर्क हो अदरवाइज ना वर्क हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहां पे देंगे कि टारगेट जहां टाइप होगा वो टारगेट कहलाएगा, टारगेट डॉट ऑफसेट 0 रो अगली कॉलन इज इक्वल टू डे, और इसी को कॉपी करके यहां पेस्ट करेंगे, यहां कर देंगे टारगेट डॉट टू डॉट टाइम। लेकिन हमने यहां डिफाइन नहीं किया कि मैं कहां पे क्लिक करूं, क्योंकि मुझे कॉलन ए में ही क्लिक टाइप करना है, बाकी कहीं पे टाइप नहीं करना है। तो जाहिर सी बात है यहां पे इफ कंडीशन देना पड़ेगा, इफ टारगेट डॉट रो
इक्वल टू, दो नहीं रो नहीं, कॉलन ना होगा सर, कॉलन इक्वल टू वन देन ए वर्क हो। अब यहां पे एक प्रॉब्लम, देखिए मैंने क्या बोला हूं कि जैसे कोई यहां टाइप करे तो तुम क्या करो, डेट और टाइम में डेट एंड टाइम टाइप कर दो। मतलब कि मैं बोला जब कोई टाइप करे तो तुम भी टाइप करो, तो इसमें क्या हो गया कि मैंने एक दरवाजे पे दोनों तरफ एक बंदे को बैठा दिया, बोला कि वो दरवाजा बंद कर तुम खोल दो, अब वो दरवाजा खोले तुम बंद कर दो। तो क्या लग रहा है ये इवेंट कभी रुकेगा? एक बंदा दरवाजा बंद करेगा दूसरा खोल देगा, दूसरा खोलेगा पहला बंद, फिर पहला बंद कर देगा, ये चलता रहेगा ना क्या? अच्छा। जी समझ में आया कि नहीं सर? हाँ सर, हमने बोला कि ये कोड रन कब हो, जब कोई टाइप करे, और इस कोड को भी बोल रहे हैं तुम टाइप करो। जैसे टाइप हम टाइप करेंगे कोड रन करो, कोड रन होगा कोड टाइप करेगा, फिर अगेन कोड होगा फिर टाइप करेगा कोड, में चलता रहेगा सिलसिला, और आपका एक्सेल हैंग हो जाएगा और डेटा लॉस हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, एक्सेल काफी देर तक हैंग रहेगा आपका। तो यहाँ पे एक चीज करना होगा, मुझे एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज करनी होगी। हमने बोला कि एप्लीकेशन डॉट अनेबल इवेंट्स, क्या बोला हमने, अनेबल इवेंट्स इक्वल टू फॉल्स। हमने बोला कि सबसे पहले ये जो टाइप करने वाला जो प्रक्रिया है, जो टाइप करते ही जो रन हो जाता है कोड, उसको करो स्टॉप, क्योंकि एक बार तो कोड रन हो चुका है, अब मैं कोड के जरिए किसी भी तरह का रनिंग नहीं करवाना चाहता हूं, तुम अपना काम करो। काम करने के बाद फिर नीचे हमने बोला कि भाई यहां पे हमने कर दिया फॉल्स, ट्रू कर दिया, जैसे हुआ ना लेजर वाला के भाई लेजर ऑफ किया, काम खत्म किया, फिर लेजर ऑन कर दिया, तो यहीं पे हुआ इवेंट को यहाँ पे ऑफ किया, अपना टाइपिंग साइपिंग किया और फिर यहाँ पे इवेंट को ऑन कर दिया। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पूजा लिख के एंटर मारेंगे, आप देखेंगे कि डेट एंड टाइम टाइप हो जाएगा, और सिर्फ एक कॉलम में। मैं यहां पे कुछ लिखता हूं तो आप देखेंगे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मोहन, इंदर, उदय, कविता। अब यहां पे एक प्रॉब्लम और भी है कि अगर मैं यहां पे लिख दोबारा इंदर लिख देता हूं तो दोबारा देखिए टाइम चेंज हो गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी पर्पज से कि भाई जो एक बार टाइप हो गया वो चेंज ना होगा, मतलब कि आप इस सीट में जो ब्लैंक सेल्स है इस पे नीचे नीचे तो आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो टाइप आपने कर दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे करें इसको? तो यहां यहां पे आते हैं, यहां पे आते इफ के अंदर आते, सबसे पहले हम सीट थ्री डॉट अनप्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद यहां पे अनप्रोटेक्ट किया, ये टाइप किया, उसके बाद रेंज ए वन डॉट एंटायर नहीं करेंट रीजन, करेंट रीजन डॉट लॉक इक्वल टू ट्रू, और फिर सीट वन डॉट पासवर्ड प्रोटेक्ट सॉरी प्रोटेक्ट इक्वल प्रोटेक्ट, यहाँ पे पासवर्ड हम यहाँ देते वर्क शीट थ्री आएगा ना सर? क्या बोला है? हाँ शीट थ्री आएगा, माफ कीजिएगा शीट थ्री। और हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले हम पूरे सीट को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और प्रोटेक्शन, और इसकी लॉक हटा देते हैं, मैनुअल हटा दीजिए या फिर यहाँ पे हटाने का कोड भी दे सकते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे
आप लिखेंगे पूजा, शीट थ्री अंत, ओके ये इक्वल नहीं होगा यहाँ पे, जस्ट ये होगा, आ गया। मैं यहां लिखता हूं मो, सब यहां पे लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मोहन, एंटर प्रेस किया इन द। अब मैं यहां उदय बाबू को उदय सिंह करना चाहता हूं, कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं? मतलब अगर मैंने यहां पे अपना नाम सुजीत लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया तो फिर वापस मैं इसको सुजीत कुमार नहीं कर सकता, वो करंट रीजन में आ जाएगा। जी हाँ, करंट रीजन में आ जाएगा और हम कुछ चेंज किसी भी तरह का नहीं कर सकते, समझे? क्लियर है सर? यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बोलिए सर? आप रोल नंबर 14 पे राइट करो, 14 पे, हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम मैं सोच रहा था कोई यहाँ पे लिख नहीं रहा है, इसको टाइप देखिए डिलीट कर सकता है क्योंकि करेंट रीजन यहीं पे जाता है। यहाँ क्या करेंगे सर? यूज़ रेंज लगाएंगे सर। जी हाँ, यहाँ रेंज, जो हमने रेंज A1 डॉट लिया है से यहाँ पे क्या करेंगे, A1 डॉट यूज्ड, नहीं नहीं यहाँ पे सीट होगा, शीट थ्री। लेकिन सर ये फिर प्रोग्राम गलत हो जाएगा। क्यों? आप सर H1 में कुछ लिख दो, डाउन के साइड में आप रो नंबर 16 पे लिख दो H1 के कॉलम में। तो उसका तो तरीका क्या है? उसका तरीका वही है, हम यहां करेंगे रेंज A1 कॉमा सेल्स यहाँ पे 65,000 कॉमा यहाँ देंगे रेंज, हाँ रेंज देंगे रेंज सर। ये लेकिन ग्लोबल नहीं होगा ना? क्यों मतलब ग्लोबल? मतलब क्या ग्लोबल? मतलब कि आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक लोकेशन दे रहे हो कि 65,000 रू तक चले। दस लाख कर दीजिए, उसको क्या दिक्कत है सर? वो तो मैनुअल एफर्ट हो गया ना, हम तो ये चाहते हैं कि जितना डेटा हो उतना ही करें। तो फिर वही है ना, हर सिचुएशन को देखना होता है ना सर। फिर अगर हम यूज रेंज लेते हैं, करेंट रीजन में आपका ब्लैंक ले लेता है, यूज रीजन लेते हैं तो भी आपका अदर फालतू अगर लिखा है तो उसको भी कंसिडर कर लेगा, समझ रहे हैं ना सर? तो सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि तो कोई भी ऑटोमेशन एक कंडीशन पे होती है, कंडीशन चेंज तो आपका ऑटोमेशन चेंज हो जाता है। तो आपको एक ऑटोमेशन के लिए आपको एक जो ऑटोमेटेड कार आया है तो उसमें भी एक कंडीशन होता है ना, ऐसा थोड़ी कि आग बंद नहीं सब कुछ हो जाता है। और सर इसमें कांस्टेंट लगा है तो क्या कांस्टेंट मतलब? स्पेशल सेल्स वाला कांस्टेंट, विजुअल सेल्स, तो उसमें क्या लगाइएगा? करंट रीजन उसी का पार्ट है ना, उसके अलावा क्या करेंगे? करंट रीजन का पार्ट तो ऐसा, लेकिन उसमें स्पेशल में स्पेशल कंटेंट सेल्स एक्सेल टाइप कंस्ट्रेंट दे देंगे तो क्या करेगा कि जो वैल्यूज होंगी उनको ही कंसीडर करेगा ना। और अगर हम उसको एंटायर रेंज दे देंगे कि इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में कांस्टेंट जो वेरिएबल मिल रही है उन्हीं को सिर्फ पिक कर, तो उस रेंज के अंदर ही वैल्यूज को पिक करेगा वो। आप क्या कीजिएगा इसमें, आप वेरिएबल सेल्स की आप बात, ये बस की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, आप कंस्टेंट्स करेंगे इसमें, आप नंबर टेक्स्ट वैल्यू एरर सिलेक्ट करेंगे, राइट? ये भी आपका करेंट रीजन पे ही चलेगा, आपको पूरा एक सीट का देना पड़ेगा। इसमें भी आपका वही, अगर मान लीजिए एच कॉलम में है, जे कॉलम में है, वो भी आ जाएगा ना सर। इसके अंदर एक कंडीशन हम ये तो डाल सकते हैं ना कि ये जो हम रेंज दे रहे हैं, जैसा आपने रेंज आपने लिखा है ना कि 65,000 और 3 में, तो क्या हम इसमें कांस्टेंट वाली कहानी नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। सिलेक्शन मेथड में पढ़ाया था ना आपको, सारी सिलेक्शन डेटा सिलेक्ट कैसे किया जाता है, उसी हिसाब से कीजिए, ठीक है ना? ओके, बाकी कंसेप्ट यही रहेगा जो मैंने बताया। अब 65,000 से दिक्कत है, यहाँ पे 10 लाख दे दीजिए,
वो तो सर 10,48,576 भी दे सकते हैं इसमें, होल एंटायर शीट ही दे सकते हैं। 65,000 इसलिए देते हैं ताकि अगर आपने इसको डॉट एक्सएलएस एक्सएलएक्स पे भी सेव कर दिया तो भी वर्क कर जाए, समझे ना। अगर 10,00,000 कर दूंगा वैल्यूएशन हो जाएगी कि सिर्फ एक्सएल 2007 वाले पे ही वर्क करेगी, अर्लियर पे नहीं करेगा, इस पे नहीं करेगा क्या बोलते हैं उससे पहले वाले जो 2003 वाले विजन। कुछ लोग अभी भी 2003 वाला सिस्टम लेके चलते हैं, जैसे एसक्यूएल वगैरह में 2003 का डेटा ही लोड होता है ओरेकल वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ हमने ये कर लिया आपके साथ, तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ इवेंट जो कर सकते, प्रोग्रामिंग तो आपकी वही है जो आप करते हैं, यहाँ आप जो है अपने हिसाब से अपना चीज चूज कर सकते हो कि क्या क्या इवेंट हो सकता है, जैसे कि एक्टिवेट बिफोर डिलीट बिफोर राइट क्लिक बिफोर डबल क्लिक कैलकुलेट डीएक्टिवेट फॉलो हाइपरलिंक पिवट टेबल अपडेट सिलेक्शन चेंज टेबल अपडेट वगैरह वगैरह। चलिए एक और एग्जांपल इस पे हम देते हैं, राइट सर। जैसे मैं डबल क्लिक वाला सिस्टम करना चाहता हूं, जैसे मैंने एक्सेल यहां रखा तो मैं यहां पे मेरे दो कोर्स है, मान लीजिए कि डैशबोर्ड और यहां पे फॉर्मूला, और वीवीए करते हैं यहां माइक्रोस और यूजर फॉर्म। मैं चाहता हूं जब मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो ये हाइड हो जाए, जो वापस डबल क्लिक करूं तो ये अनहाइड हो जाए, समझे। तो यहां हम सीट 4 को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन चेंज में हम यूज करते हैं अपना डबल क्लिक बिफोर डबल क्लिक। तो यहां पे हम करेंगे कि इफ टारगेट डॉट एड्रेस, टारगेट स्ट्रिंग सही है ना, टारगेट डॉट एड्रेस, एड्रेस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा डॉलर ए अगेन डॉलर थ्री एंड रेंज ए नहीं फोर फोर से फाइव। डॉट एंटायर रो डॉट हिडन इक्वल टू ट्रू ट्रू टैग। हमने बोला कि भाई हम डबल क्लिक जो कर रहे हैं वो ए थ्री पे होना चाहिए और फोर से फाइव, फोर और फाइव जो है वो हमारा होना चाहिए फॉल्स, क्या होना चाहिए इसके हाइड होना चाहिए। ऐसा है तो क्या करे, यहां रेंज रेंज में फोर एंड फाइव डॉट एंटायर रो डॉट हिडन इक्वल टू फॉल्स, और इसी कोड को वापस कॉपी करेंगे और एल्स इफ के साथ लगाएंगे, ठीक है। और इसमें हम कर देंगे फॉल्स और यहां पे हम ले लेंगे ट्रू, कॉपी एंड पेस्ट और यहां पे ऐड इट। जैसे इसमें हम डबल क्लिक किए सर वो नहीं होगा ना, गलती होगी ना सर, क्या कहे सर, इसे पता चलता है कि हम भी इंसान है, ठीक है समझे। अब इसी कोड को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे की तरफ और इसमें हम थ्री के जगह पे सेवन कर देंगे, थ्री के जगह पे सेवन कर देंगे
एट नाइन सेवन और फोर के जगह पे एट नाइन एट और नाइन एट नाइन और यहां भी एट नाइन एट नाइन ठीक है। तो इवेंट माइक्रो में आप ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो अभी जो हमने बात की वो बात की सीट इवेंट के बारे में, किसके बारे में, सीट इवेंट के बारे में। अब बात करते फाइल, जैसे फाइल है आपका इसे दिस वन कि मैं फाइल ओपन हो तो क्या हो, जैसे कि यहां आप देख सकते हैं वर्कबुक में यहां बहुत सारे कि भाई यहाँ पे डीएक्टिवेट मॉडल चेंज न्यू चार्ट न्यू शीट ओपन फिबर टेबल कलेक्शन क्लोज कलेक्शन ओपन कलेक्शन सीट ऐड और बाकी जो सीट के ऊपर है ना सीट के ऊपर जैसे मैं चाहता हूँ जैसे कोई सीट ऐड करूँ तो सीट ऐड होते ही मुझसे नाम पूछे जो नाम डालो वही सीट का नाम हो। तो यहाँ पे हमने लिखा कि इनपुट बॉक्स सॉरी यहाँ ट्रेवल देना पड़ेगा ए इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां पे नाम दिया कि एंटर सीट नेम और यहां पे बोला कि एक्टिव सीट या एसएच भी कर सकते हैं हम यहां पे कि एसएच डॉट नेम इक्वल टू ए ठीक है। तो यहां पे अब जैसे नई सीट लेंगे मुझसे नाम पूछा तो नाम में मैं लीजिए मैंने डी टी कर दिया या कुछ और नाम डाल दिया एल ओ के देखिए डी टी नाम आ गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा यहाँ पे सर लेकिन इस शीट में अगर नाम नहीं दोगे तभी तो शीट ऐड करेगा। हाँ हमने बोला सीट तो ऐसा नहीं बना सकते कि हम नाम ना दे तो पूछे सुनिए मैंने यहाँ पे दिया कि अगर सीट ऐड हो तो मुझसे नाम पूछे जब जो नाम डालो सीट का नाम डाल दे इसमें सीट ऐड होने पे नाम नेम तो करने का कौन मिला ठीक है। क्या सर हम ऐसा बना सकते हैं कि जब तक हम नाम ना दें वो सीट ऐड ही ना करें। हाँ ऐसे भी कर नहीं सीट तो ऐड कर देगा लेकिन जब तक नाम ना डाले तो इनको कुछ हटेगा नहीं वो मैंने कल बताया था क्लास में दो बार लेंस लगा सर उसके लिए प्रोग्राम बना सकते हैं कि जब तक शीट का नाम नाम ना दे हम तब तक शीट ऐड ना करें। नहीं सीट ऐड नहीं समझे सीट का नाम तो सीट तो ऐड हो जाएगा लेकिन जब तक सीट का नाम अगर नहीं डालते हैं तब तक वो पॉपअप हटेगा ही नहीं कुछ करने ही नहीं देगा एक्सेल पर। सर क्या हम इसके अंदर ऐसा डाल सकते हैं कि इफ ए इक्वल टू ब्लैंक हो तो एग्जिट सब हो जाए सबके बाहर निकल जाए। नहीं हाँ जो डालना इस पर देखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और सीट ऐड तो हो जाएगा क्योंकि ये जो इवेंट है तभी वर्क हो रहा है जब हम न्यू सीट ले रहे हैं ये बिफोर न्यू सीट नहीं है बात समझ रहे ना ये आफ्टर है सीट इंसर्ट होने के बाद ये रन हो रहा है तो सीट तो इंसर्ट हो चुका है सीट इंसर्ट होने के बाद नाम डालना जो भी करना है वो आप कर सकते हैं समझ गए। देखिए सीट इंसर्ट करना नहीं रोक सकते हाँ भले ही आप डिलीट करवा दीजिए कि नेम ना डाले तो डिलीट हो जाए समझे कि नहीं। सर कुछ ऐसा प्रोग्राम है क्या कि हम यूजर को एक्सेस ना दे पाए कि वो सीट ऐड ही ना कर पाए। हाँ तो उसके लिए आप सीट फाइल को प्रोटेक्ट कर देंगे यहाँ पे लॉक कर दो ना उसको रिव्यू के अंदर आपके प्रोटेक्ट में वर्कबुक होता है इसको पासवर्ड डाल दीजिएगा तो ना कोई इंसर्ट कर पाएगा ना कोई डिलीट कर पाएगा सर डिसेबल कर देगा ना नॉर्मल रिव्यू के थ्रू ठीक है। Yes, तो मैंने आपको